रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारतीय रेल के 85 करोड़ के विकास व सुविधाओं को उपहार देकर विभिन्न रेल खंडों के दोहरीकरण के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं ने वर्चुअली सुना। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल फॉर वोकल कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को देश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचाने में योगदान दिया है, उससे देश के अनेक कामगारों को रोजगार मिला है। जिला प्रमुख वंदना आर्य, नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीपचंद राहड़, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान व संयोजक सुशील लाटा मंचस्थ रहे। कार्यक्रम का संचालन आनंद बाला ने किया। इस अवसर पर मंडल महामंत्री सीपी शर्मा, शोभा चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि व रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 185,000 करोड़ का शिलान्यास उद्घाटन किया है, 10 वंदे मातरम ट्रेनों का शुभारंभ किया है, लोकल को होकल करने के लिए और एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट उत्पादन के लिए जो प्रधानमंत्री सोच है उनको सारे देश को लाभ मिल रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री को सारे हमारे कार्यकर्ता धन्यवाद दे रहे हैं कि चुरू और तंड में ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये दो स्टेशनों पर कार्यक्रम को साथ लिया गया है।